स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं राजस्थान की कुछ खास खबरें। जयपुर राजस्थान में कोरोना वायरस के चलते धारा 144 लगने के बाद 49 दिन से चल रहे शांतिपूर्ण धरने में परिवर्तन। जयपुर में कमिश्नरेट स्थित शहीद स्मारक पर 49 दिन से चल रहे धरने को धारा 144 लगने के बाद प्रशासन द्वारा हटाने के आदेश दिए गए, मगर महिलाओं ने कहा हम धरना समाप्त नहीं करेंगे जब तक CA NRC NPR वापस ना हो जाए और प्रशासन द्वारा लगाए गए धारा 144 का उल्लंघन नहीं होने देंगे। इसके चलते चार महिलाओं ने धरने को कायम रखा। महिलाओं ने कहा देश में फैल रही कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, यहाँ हम भीड़ का जमावड़ा नहीं होने देंगे। जयपुर से संवाददाता सैयद जाफर अब्बास तकवी की रिपोर्ट। जयपुर में पिछले 49 दिन से दिल्ली के शाहीनबाग की तरफ पर कमिश्नरेट स्थित शहीद स्मारक पे जो धरना चल रहा था, अभी वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ आप मेरे पीछे देखेंगे किस तरीके से जहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग बैठा करते थे, आज वहाँ सन्नाटा पसरा है। इस सन्नाटा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस के चलते राजधानी जयपुर में अभी सरकार द्वारा जो यहाँ प्रशासन ने धारा 144 लगाई गई है उसका पूरी तरह पालन करते हुए यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उसी स्थिति में लोग बैठे हैं जहाँ पूरी तरीके से धारा 144 का पालन किया जा रहा है। आप थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे कि वहाँ कुछ लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं कि पूरी तरह दूरी इख्तियार की हुई है और अलग अलग जगहों पे बैठे हुए हैं, अपने डिस्टेंस पूरा बनाए हुए हैं। और यहाँ पे कुछ प्रदर्शनकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ जो प्रदर्शन चल रहा था उसकी क्या वजह है कि आज यहाँ पे कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 49 दिन से धरना चल रहा था, उसी की कुछ कड़ी यहाँ मौजूद हैं और इसलिए मौजूद हैं कि इस धरने को कायम रखने के लिए धारा 144 की भी पालना करनी है और जो कानून 100 CA और NPR और इस तरीके के जो कानून आ रहे हैं उसका विरोध प्रदर्शन भी कायम रखना है। तो इस बीच हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम है अभी यहाँ कुछ दिन पहले जो धरना चल रहा था वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग बैठे हुए थे, अभी जो स्थिति बनी हुई है वहाँ यहाँ कुछ महिलाएँ हैं, तो इसके बारे में बताएंगे कि क्या वजह। इसकी वजह सिर्फ प्रिकॉशंस हैं, जो धारा 144 लगी हमने उसका सम्मान किया है और उसकी वजह यह है कि हम अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लोग जब जमा होंगे तो हो सकता है कि किसी को ऐसी बात तो आ सकती है कि वो कोरोना वायरस तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस बाहर से आ रहा है। और जो धरने में औरतें बैठी हैं वो ना तो इटली से आई हैं, ना दुबई से आई हैं, ना सऊदी से आई हैं, वो ना चीन से आई हैं। तो हमें तो सिर्फ एक प्रिकॉशंस, एक एहतियात ज़रूरी है, उसकी वजह से हमने गवर्नमेंट के कानून का सम्मान किया है। हमने यहाँ पर 5 औरतें बिठाई हैं, कल कमिश्नर ऑफिस में हमारी मीटिंग हुई थी तो ये तय हुआ था कि 5 औरतें शिफ्ट में बैठेंगी, ये 5 औरतें रात को सोएंगी भी और दिन में बदल भी जाएंगी। 5 औरतें वो अपने घर नहाने जाएंगी तो वो 5 औरतें दूसरी आ जाएंगी और उनके साथ 5 लड़के बैठेंगे, क्यों, क्योंकि हिफाजत भी चाहिए हमें। तो मगर मेरा सवाल ये है कि मैं राजस्थान गवर्नमेंट से करना चाहती हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि वो किसी सवाल का जवाब देने के काबिल भी नहीं है और वो जवाब देती भी नहीं है। उसको जवाब जब नहीं आता है ना तो वो पुलिस भेज देती है। मैं तो यहाँ की गवर्नमेंट से बात करना चाहती हूँ कि जगह जगह पर ये डर फैल गया है कोरोना वायरस का और राजस्थान में इटली के द्वारा आ भी चुका है, एक पेशेंट आज मर भी गया है। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि उनकी अवेयरनेस मुझे क्यों नहीं नज़र आ रही है, उनकी तरफ से मुझे कोई ऐसा काम करते हुए क्यों नहीं नज़र आ रहा जिसे लगे कि हाँ वाकई में गवर्नमेंट कुछ कर रही है। खाली भाषण से या धारा 144 से तो कुछ नहीं होगा। चलिए आपने धारा 144 लगाई तो क्या धारा 144 सिर्फ धरने के लिए थी और कहीं के लिए नहीं थी? पूरे बाजार में आप देख लीजिए, 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी इकट्ठे ठेलों पर खाना खा रहे हैं, जूसेस की दुकान पर जहाँ मक्खियाँ भी भिनकती रहती हैं वहाँ पर क्या कहते हैं लोग इकट्ठे हैं, क्या उनके लिए वो धारा नहीं है? और दूसरा सवाल जो मेरा मेन है कि जैसे पोलियो की दवाइयाँ वो पिलवाते हैं, मास्क क्यों नहीं फ्री बंटवा रहे वो घर के घर में? जो कच्ची बस्तियों वाले बच्चे हैं, जो ज़्यादा गंदगी में रहते हैं, उनको ज़्यादा सैनिटाइज करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर भेजिए ना, कुछ तो नज़र आना चाहिए ना। गवर्नमेंट वाकई फिक्रमंद है, खाली हमें बोलियों से हमें मत डराइए। हमें पता है कोरोना वायरस बहुत गंभीर बीमारी है और हम कहते हैं खुदा से हमारी दुआ है कि सब लोग इससे बचे रहें, हिंदुस्तान के क्या पूरे दुनिया के लोग उससे बचे और सबको सेहत रहे, मगर इस तरह से नहीं डराया जाए कि जहां पर हमारे लिए वो कानून है दूसरों के लिए कानून नहीं है। यहां आप चारों तरफ देखिए पुलिस वाले ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, मास्क भी चेहरे पे नहीं है, पबजी खेल रहे हैं, बिल्कुल आपस में जुड़े हुए बैठे हैं, उनको नहीं लगेगा क्या कोरोना वायरस?
यहाँ पर अभी जो चार औरतें हैं वो कमिश्नर साहब ने बाकायदा ऑर्डर में कहा है कि पांच औरतें बैठेंगी, तो फिर उन पांच औरतों के लिए ज़रूरत के लिए पानी नहीं चाहिए क्या? हमने उनको सैनिटाइज़र दे रखा है, हमने उनको डिटॉल साबुन और मेडिकल सोप्स दे रखे हैं, हमने पूरा उनका मेडिकल किट यहाँ पे दे रखा है और हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि हर एक घंटे में वो हाथ धोएं। तो जब पानी ही नहीं होगा तो हाथ कैसे धोएंगी वो? अभी SHO साहब आए और उन्होंने टोटी तोड़ के और वो पानी सारा टंकी का बहा दिया और उनके सिपाही क्या कहते हैं कि आप क्यों चिंता कर रहे हैं, ये कमिश्नरेट का ऑफिस है ना, यहाँ से पानी बाल्टी से भर के ले आएंगी औरतें, तो उनको शर्म नहीं आ रही है? इतनी दूर वो औरतें रात को अगर किसी को टॉयलेट जाना है, कहीं कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या वहाँ कमिश्नरेट जाएंगी वो अकेली औरतें पानी भरने के लिए? तो इस तरह से तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि वो हमको परेशान करना चाह रहे हैं। और अभी वो आए थे यहाँ जो महिला बैठी हुई हैं, ये क्या रेगुलर रही है? बिल्कुल नहीं, बदलाव